इस वक्त जो सवाल आपके सामने है ये है 33.1/2%। इस सवाल में पहले हम कंपाउंड फ्रैक्शन को खत्म करेंगे, यानी कंपाउंड फ्रैक्शन को, मुरक्कब कसर को कसरे आम में तब्दील करेंगे। ये जो आप 33 देख रहे हैं, 33, ये एक मुकम्मल अदद है। पहले हम इस नीचे वाले 2 को 33 से ज़रब देंगे तो क्या आ जाएगा? जी हाँ, 66। फिर हम ऊपर वाला 1 इसमें प्लस कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? 67, यानी 67। और नीचे वही 2, यानी 67/2। अब ये एक आम कसर बन गई है और इसे हम आम तरीके से फीसद में तब्दील करेंगे। और फीसद में तब्दील करने का तरीका हमने आपको बताया है क्या है, कि हम इसको 100 से 100 से तकसीम करेंगे। जब इस रकम को हम 100 से तकसीम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 67/2/100, यानी 67/200। तो ये एक आम कसर बन गई है, लेकिन ये मजीद तकसीम नहीं हो सकती, क्योंकि जो ऊपर वाला 67 है ये किसी भी अदद से तकसीम नहीं होता, यानी ये एक मुफरिद अदद है।